दोस्तों, अगर आप भी यूट्यूबर बनना चाहते हो और यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करके पैसा कमाना चाहते हो, लेकिन अगर आप सोचते हो कि भाई मेरे पास अच्छा कैमरा नहीं है वीडियो बनाने के लिए, और अच्छा माइक नहीं है ऑडियो रिकॉर्ड करने के लिए, और अच्छा ट्राइपॉड नहीं है, अच्छा कंप्यूटर नहीं है, अगर आप भी इस तरीके से सोचते हो तो कहीं ना कहीं आपकी ये सोच गाइस गलत हो सकती है। क्योंकि आप जो ये वीडियो देख रहे हो, जिस भी स्मार्टफोन पे ये वीडियो देख रहे हो, तो उससे आप ये सारा काम कर सकते हो, यानी कि वीडियो एडिट कर सकते हो, शूट कर सकते हो, और ऑडियो को भी अच्छी तरीके से रिकॉर्ड कर सकते हो और एडिट करके अपलोड भी कर सकते हो। तो आज के इस वीडियो में गाइज मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि आप एक स्मार्टफोन से ये सारे काम कैसे कर सकते हो, यानी कि एक अच्छा वीडियो कैसे रिकॉर्ड कर सकते हो अच्छी क्वालिटी का, और अपनी अच्छी वॉइस को कैसे रिकॉर्ड कर सकते हो, और साथ ही साथ कैसे एडिट करना है, कौन सा सॉफ्टवेयर आपको यूज़ करना है वीडियो को एडिट करने के लिए, और उसके अलावा आपको कैसे अपलोड करना है, बिल्कुल गाइज कैसे आप इसमें थंबनेल लगा सकते हो अपलोड करके वीडियोस को, और कैसे कस्टमाइज कर सकते हो टाइटल थंबनेल डिस्क्रिप्शन टैग कैसे डालना है, तो सारी चीजें गाइज आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप एक स्मार्टफोन से सारे काम कैसे कर सकते हो। तो इस वीडियो को एंड तक देखना गाइज, काफी इंटरेस्टिंग, काफी नॉलेजफुल और काफी यूजफुल होने वाला है ये वीडियो, इसलिए गाइज आप इस वीडियो को जरूर एंड तक देखना। दोस्तों, मेरा नाम है उमेश एंड स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो गाइस पूरी प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे आपको अपना वीडियो शूट करना है। तो बात करें शूट करने की, तो आप अपने स्मार्टफोन से काफ़ी आसानी से शूट कर सकते हो। जो अभी नए स्मार्टफोन लॉन्च हो रहे हैं या फिर जो नए नए स्मार्टफोन हैं उसमें काफ़ी अच्छा कैमरा हमें मिल जाता है वीडियो शूट करने के लिए। और गाइज मैं आपको बता दूं कि अगर आप स्मार्टफोन से शूट कर रहे हो तो आपको दोस्तों फ्रंट कैमरा यूज़ नहीं करना है। जी हाँ गाइज, आपको बैक कैमरा यूज़ करना है, क्योंकि फ्रंट कैमरे की बजाय आपको बैक कैमरे की जो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी मिलती है, और आप कैसे दिख रहे हो कैमरे में वो आपको सेट कर लेना है पहले ही, और फिर आपको वीडियो शूट करना है। तो आपको एक स्थिर रख लेना है कैमरा। सो गाइज अभी स्विच कर लिया है मैंने अपने स्मार्टफोन पे, यानी कि देख सकते हो कैमरा मैंने निकाल लिया है और स्मार्टफोन को लगा दिया है, और आप जो अभी क्वालिटी देख रहे हो वो गाइज मैं अपने स्मार्टफोन से शूट कर रहा हूँ, जो कि है गाइज रियलमी का 3 प्रो। आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि क्वालिटी आपको कैसे लग रही है स्मार्टफोन की। ऑफिशियली बात है कैमरे की और स्मार्टफोन की क्वालिटी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा, लेकिन आप इससे काम चला सकते हो, काफ़ी अच्छी क्वालिटी मिल जाएगी आपको, इस तरीके की क्वालिटी आपको मिल जाएगी। अगर आपके पास कोई महंगा स्मार्टफोन है तो उससे और भी अच्छी क्वालिटी आपको मिल जाएगी इसकी बजाय, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। एंड ऑडियो की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो बोया BY-M1 में यूज़ कर रहा हूँ माइक, जो कि यहाँ पे मेरे यहाँ पे लगा हुआ है एंड स्मार्टफोन पे मैंने अटैच कर रखा है। और एप्लीकेशन की बात करें तो ये ओपन कैमरा एप्लीकेशन है। बात करें गाइस कैमरे की, तो मेरा जो कैमरा है वो गाइस Nikon 5300D है, तो इससे जो क्वालिटी है वो काफ़ी हद तक मेरे वीडियोस की इनहेंस हो जाती है। तो गाइस आई होप आपको अंदाज़ा मिल गया होगा कि इस तरह की क्वालिटी हमें स्मार्टफोन से मिलने वाली है अगर हम वीडियो शूट करते हैं तो, और इस तरह की ऑडियो क्वालिटी आपको मिलने वाली है। और आप मुझे दोस्तों कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि स्मार्टफोन की क्वालिटी आपको कैसे लगी। ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको जो वीडियो शूट करना है वो आपके फ़ोन के बैक कैमरे से शूट करना है ताकि आपको अच्छी क्वालिटी मिल सके। तो गाइस बात करें सेकंड पॉइंट की, तो सेकंड पॉइंट है ऑडियो रिकॉर्ड, यानी कि वॉइस रिकॉर्ड कैसे कर सकते हैं हम। तो वॉइस रिकॉर्ड करने के लिए दोस्तों यहाँ पे दो ऑप्शन मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है गाइस बोया BY-M1 माइक। जी हाँ दोस्तों, बोया BY-M1 माइक आप परचेस कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि भाई हाँ मैं यूट्यूब से पैसा कमा लूँगा, अगर आपको दोस्तों अपने आप पर विश्वास है तो दोस्तों आप इस माइक पर ज़रूर इन्वेस्ट कीजिए। आपको 800-900 के आसपास ये माइक मिल जाता है, तो आप इसको ज़रूर परचेज़ कीजिए, क्योंकि अगर आप इसको परचेज़ कर लेते हो तो आपकी जो ऑडियो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी आने वाली है। जैसे कि आप ये ऑडियो सुन रहे हो वो गाइज मेरे बोया BY-M1 माइक से ही आप सुन रहे हो, तो ये काफ़ी अच्छी ऑडियो क्वालिटी इसकी हमें मिल जाती है। अगर आप इनिशियल लेवल पर हो, यानी कि शुरुआत करना चाहते हो और आप इन्वेस्ट कर सकते हो, तो आप इस पर इन्वेस्ट ज़रूर कीजिए गाइज। मैं आपको सजेशन अगर दूँ तो आप इन्वेस्ट ज़रूर कीजिए अगर आप अपने आप पर विश्वास रखते हो कि हाँ भाई मैं यूट्यूब से पैसे कमा लूंगा। तो बात करते हैं गाइस सेकंड ऑप्शन की। तो सेकंड ऑप्शन हमारे पास ये है कि हम अपने कोई भी छोटा मोटा ईयरफोन है, यानी कि 100-150 रुपए का ईयरफोन आता है, उसमें हमें माइक मिलता है, तो उसका हम जरिया ले सकते हैं, यानी कि उसको हम यूज़ कर सकते हैं अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करने के लिए। जी हाँ गाइस, मैं अपनी बात करूँ तो पर्सनली मैंने दोस्तों शुरुआती दिनों में अपना यूट्यूब चैनल जब स्टार्ट किया था तो मैंने गाइज अपना ईयरफोन ही यूज़ किया था वॉइस को रिकॉर्ड करने के लिए। तो काफ़ी अच्छी आप रिकॉर्ड कर सकते हो, यानी कि काम आप चला सकते हो उससे। अगर आप इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हो तो ये ऑप्शन आपके सामने
मिल जाता है। एक ऑप्शन और बता देता हूँ मैं आपको कि एक ऑप्शन ये है कि अगर आपके पास दो स्मार्टफोन है, यानी कि आपके पास दो स्मार्टफोन है तो आप एक से वीडियो शूट कर सकते हो दूर रख के, और दूसरे से आप वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हो ऊपर वाली पॉकेट में रख के आप वॉइस रिकॉर्ड कर लीजिए और बाद में उसको मर्ज कर लीजिए वॉइस को, ताकि वो मैच हो जाए। तो ये तरीका भी गाइस काफ़ी अच्छा है, तो आप इसको अपना सकते हो। काफ़ी सारे वीडियोज में आपने देखा होगा, कॉमेडी या फिर प्रैंक वीडियो में आपने देखा होगा, यही तरीका अपनाते हैं अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करने के लिए। तो ये भी काफ़ी अच्छा तरीका है, तो आप वॉइस को रिकॉर्ड कर सकते हो, क्योंकि गाइस वॉइस एक वीडियो का ऐसा पार्ट है जो आपकी वीडियो क्वालिटी को काफ़ी अच्छी इन्हेंस कर लेता है। वीडियो क्वालिटी में एक अलग ही रूप दिख जाता है, एक अलग ही क्वालिटी आ जाती है। और दोस्तों माइक के साथ साथ अगर आप इन्वेस्ट कर ही रहे हो तो मैं आपको बता दूं कि आप ट्राइपॉड एक परचेज कर लीजिए। अगर आप इन्वेस्ट कर सकते हो तो दोस्तों एक माइक के साथ आप एक ट्राइपॉड जरूर परचेज कीजिए। और अगर आप ट्राइपॉड परचेज कर रहे हो तो आपको बिल्कुल सस्ता ट्राइपॉड नहीं परचेज करना है, यानी कि 300 रुपये के आसपास जो ट्राइपॉड आता है वो आपको नहीं परचेज करना है, क्योंकि वो जो ट्राइपॉड है वो आपके स्मार्टफोन का भी वजन नहीं झेल पाएगा, वो बिल्कुल घटिया क्वालिटी आता है, लो क्वालिटी आता है, तो उसको आपको परचेज नहीं करना है। अगर आप इन्वेस्ट कर ही रहे हो तो आपको 1000 के आसपास जो ट्राइपॉड आपको मिलता है वो आपको परचेज करना चाहिए। और अगर मैं अपनी बात करूँ तो दोस्तों मैंने बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं किया था, लेकिन अगर आप शुरुआती दिनों में हो और आप अपनी वीडियोस को अच्छी क्वालिटी में बनाना चाहते हो, अपनी ऑडियो को अच्छी क्वालिटी में बनाना चाहते हो, तो दोस्तों आप थोड़ा सा इन्वेस्ट जरूर कीजिएगा ताकि आपकी ऑडियो और वीडियो क्वालिटी अच्छी हो जाए। हालांकि दोस्तों मेरा जो आप अभी वीडियो देख रहे हो वो मैं DSLR से शूट कर रहा हूँ। तो दोस्तों अब बात करते हैं हम एडिटिंग की, यानी कि हमारा वीडियो शूट हो गया, अब हम कैसे एडिट कर सकते हैं उसको। इसमें अगर आप सोचते हो कि भाई मेरे पास बहुत अच्छा लैपटॉप, बहुत अच्छा कंप्यूटर होना चाहिए एडिटिंग के लिए, तभी मैं अपने वीडियोस को एडिट कर सकता हूँ, तो दोस्तों ये सोचना आपका गलत है। क्योंकि अगर आप मेरे वीडियोस देखते हो इस चैनल पर, ये जो आप वीडियो देख रहे हो ये भी दोस्तों मैंने अपने स्मार्टफोन से ही एडिट कर रखी है, और मेरे पिछले काफ़ी सारे महीनों से मैं काफ़ी सारी वीडियोस अपने स्मार्टफोन से ही एडिट कर रहा हूँ। तो दोस्तों अब बात करते हैं एडिटिंग की। तो देखिए दोस्तों एडिटिंग अगर आप प्ले स्टोर पर सर्च करते हो वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर, तो काफ़ी सारे आपको ढेर सारी एप्लीकेशन मिल जाएगी प्ले स्टोर पर, लेकिन मैं आपको दो एप्लीकेशन जो काफ़ी पॉपुलर वो रिकमेंड करना चाहूँगा। एक है गाइज आपका पावर डायरेक्टर और दूसरा है काइन मास्टर। मैं जो अपने वीडियोज़ को एडिट करता हूँ वो है गाइज पावर डायरेक्टर। पावर डायरेक्टर का जो बंडल वर्जन है उसको मैं यूज़ करता हूँ, तो आप भी उसको यूज़ कर सकते हो, और मैं आपको बताऊंगा आगे चल के कैसे आपको एडिट करना है। सो गाइज अभी देख सकते हो मैं मोबाइल की स्क्रीन पर आ चुका हूँ, एंड यहाँ मैं आपको बताता हूँ कैसे आपको एडिट करना है अपना वीडियो। तो यहाँ पे अपन पावर डायरेक्टर को ओपन करते हैं। तो जी हाँ गाइज मैं पावर डायरेक्टर को ही यूज़ करता हूँ अपने वीडियो को एडिट करने के लिए। तो इसको ओपन करते हैं। जैसे ही ओपन करोगे आप तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। देख सकते हो यहाँ पे कुछ क्लिप्स मैंने एडिट करके रखी है ऑलरेडी। तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कैसे आपको एडिट करना है। न्यू प्रोजेक्ट में आपको क्लिक करना है, 16:9 रेशियो सेलेक्ट करना है, एंड यहाँ पे आप नाम कुछ भी रख सकते हो अपने प्रोजेक्ट का, ओके करना है। तो ये कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने शो हो जाएगा। आपको अपना वीडियो को सेलेक्ट करना है जो भी आपने शूट कर रखा हो। तो ये देख सकते हो ओपन कैमरा में मैंने शूट किया है, तो मैं इसको ओपन करता हूँ, एंड ये कुछ क्लिप्स है। तो यहाँ पे आपको सिंपली प्लस के बटन पे क्लिक करना है, ये क्लिप्स आपके टाइमलाइन पे आ जाएगी। यहाँ पे आपको प्ले करना है, तो यहाँ पे हम प्ले करते हैं। तो इतनी क्लिप्स मेरे को काटनी है, तो यहाँ पे आपको सिंपली गाइज काट सकते हो, जैसा कि यहाँ पे अपन काट लेते हैं इसको। सिंपली आपको कट करने के लिए ये देख सकते हो बीच में आपको एक कट का ऑप्शन मिल जाता है, तो इस पर आपको क्लिक करना है स्प्लिट पर। तो यहाँ पे ये जो क्लिप्स है हमारा ये काम की नहीं है, तो आपको डिलीट पर क्लिक करना है, तो डिलीट का ऑप्शन भी हमें मिल जाता है। क्लिप को आपको सिंपली सेलेक्ट करना है, इस तरीके से क्लिक करके सेलेक्ट किया, उसके बाद डिलीट, तो डिलीट हो चुका है। जो भी आपको क्लिप कट करनी है वो आप कट कर सकते हो, एंड आप उसको डिलीट कर सकते हो। तो गाइज ये जो एप्लीकेशन है वो काफ़ी आसान है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो अपने वीडियो को एडिट करने के लिए। एंड यहाँ पे देख सकते हो ये वीडियो हमारा आ चुका है। जो भी आपको क्लिप्स हटानी है वो हटा सकते हो, एंड यहाँ पे अगर आप ट्रांजेक्शन लगाना चाहते हो बीच में, अगर आप चाहते हो कि भाई ट्रांजेक्शन आ जाए बीच में, तो यहाँ पे क्लिक करना है। बीच में देख सकते हो छोटा सा आपको बॉक्स दिख रहा होगा, तो यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक आपके सामने ट्रांजेक्शन देखने को मिल जाएंगे, तो काफ़ी सारे ट्रांजेक्शन आपको मिल जाते हैं। जो भी आपको यूज़ करना है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए, ब्लर वाला कर लेते हैं। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करके प्लस पर क्लिक करोगे तो ये ट्रांजेक्शन यहाँ पे आ जाएगा। तो ये आ चुका है। यहाँ पे आपको बैक पर क्लिक करना है, तो अगर देखते हैं हम इस ट्रांजेक्शन को, तो ये कुछ इस तरीके से आने वाला है। एंड और भी काफ़ी सारे फीचर आपको मिल जाते हैं, जैसे यहाँ पे अगर आप कुछ भी इफेक्ट वगैरह लगाना चाहते हो या फिर वीडियो की स्पीड बढ़ाना चाहते हो तो भी आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। एंड ये क्लिप्स अगर आप इधर उधर रोटेट करना चाहते हो, ये रोटेट का ऑप्शन मिल जाता है। वॉल्यूम अप करना चाहते हो या फिर डाउन करना चाहते हो किसी क्लिप्स की, तो भी आपको ऑप्शन मिल जाता है।
एंड अगर आप कुछ कलर चेंज करना चाहते हो तो भी आपको मिल जाता है, तो आप कलर चेंज कर सकते हो, देख सकते हो। तो ये सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे रिवर्स भी कर सकते हो आप, डुप्लीकेट कर सकते हो, तो आप इन सभी को यूज कर सकते हो, सिंपल तरीके से एडिट कर सकते हो अपने वीडियोस को। और गाइज मैं आपको बता दूं, काफी प्रोफेशनल आपको टूल इसमें नहीं मिलते हैं, सिर्फ आपको बेसिक टूल मिलते हैं जिससे आप अपनी वीडियोस को एडिट कर सकते हो और अपलोड कर सकते हो। तो गाइज जैसे कि मान लो मेरा ये वीडियो रेडी हो चुका है, उसके बाद आपको वीडियो अपना सेव करना है। तो सेव करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे ऊपर आपको सेव के बटन पर क्लिक करना है एंड यहाँ पे देख सकते हैं, एंड यहाँ पे दो ऑप्शन हमारे सामने मिल जाते हैं, सेव प्रोजेक्ट का एंड प्रोड्यूस वीडियो। तो ये दोनों ऑप्शन हमें मिलते हैं, तो यहाँ पे आपको सेव करने के लिए अपनी गैलरी में वीडियो को प्रोड्यूस वीडियो पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे तो आपको देख सकते हो सेव टू गैलरी और SD कार्ड, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आप अपने प्रोजेक्ट का नाम दे सकते हो, तो अगर आप नाम नहीं रखोगे तो ये ऑटोमेटिक आ जाएगा, देख सकते हो इस तरीके से प्रोजेक्ट एंड ये डेट आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पे फुल HD, अल्ट्रा HD, 4K, तो आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद फुल HD करता हूँ मैं एंड यहाँ पे प्रोड्यूस पे क्लिक कर लेता हूँ। सो गाइज इस तरीके से आप एडिट कर सकते हो। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ वो क्लिप्स जो मैंने एडिट कर रखी है। सो गाइज इस वीडियो को मैंने एडिट कर लिया है, चलिए अपन इसको अपलोड करके देखते हैं। आपको मोबाइल से अपलोड करके बताऊंगा मैं यहाँ पे। तो अपलोड करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है गाइज, बहुत ही सिंपल सी प्रोसेस है। यहाँ पे गाइज आपको क्रोम ब्राउजर ओपन करना है। जी हाँ गाइज, आपको यूज करना है क्रोम ब्राउजर वीडियो को अपलोड करने के लिए। एंड यहाँ पे आपको अपनी ईमेल आईडी लॉगिन करनी है, यानी कि आपके चैनल की ईमेल आईडी लॉगिन कर लेनी है। तो ये देख सकते हो गाइज, मैंने ऑलरेडी इसमें लॉगिन करके रखा है अपना यूट्यूब चैनल। आपको यहाँ पे ऊपर 3 डॉट पर क्लिक कर लेना है, उसके बाद यहाँ पे डेस्कटॉप साइट पर क्लिक कर लेना है। जैसे डेस्कटॉप साइट पर क्लिक करोगे तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा, यानी कि डेस्कटॉप मोड में आ जाएगा। डेस्कटॉप साइट कर लेना है, उसके बाद गाइज आपको यहाँ पे सर्च करना है सिंपली। उसके बाद आपको सर्च करना है YouTube डेस्कटॉप, तो आप YouTube डेस्कटॉप सर्च कर सकते हो। जैसे YouTube डेस्कटॉप सर्च करोगे तो देख सकते हो यहाँ पे YouTube स्टूडियो आ जाएगा, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे तो आपका YouTube स्टूडियो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा, देख सकते हो गाइस आपके चैनल का। आप इसको रोटेट कर सकते हो, चलिए हम रोटेट कर लेते हैं इसको। तो ये देख सकते हो गाइस कंप्लीट, जैसे हम अपने डेस्कटॉप पर लॉगिन करते हैं, यानी कि कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में लॉगिन करते हैं, उसी तरीके से हमारा चैनल यहाँ पे आ चुका है। अब हमें अब वीडियो अपलोड करना है, तो वीडियो अपलोड करने के लिए क्रिएट पर क्लिक कर सकते हो आप। उसके बाद अपलोड पर क्लिक करना है, अपलोड वीडियो पर। जैसे क्लिक करोगे कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा, जैसे कि डेस्कटॉप में आता है, लैपटॉप में आता है। तो यहाँ पे फाइल सेलेक्ट, फाइल पर क्लिक कर लेना है आपको। उसके बाद आपकी जो भी वीडियो है वो आपको सेलेक्ट करनी है, जो आपको अपलोड करनी है। तो यहाँ पे फाइल पर क्लिक करता हूँ मैं, और मेरी जो वीडियो मेरे को अपलोड करनी है वो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। कि मान लो मेरे को ये वीडियो अपलोड करनी है, तो मैंने वीडियो सेलेक्ट कर ली, देख सकते हो, और ये वीडियो आ चुकी है। अब आपको टाइटल, टेक्स्ट, डिस्क्रिप्शन कैसे डालना है, तो यहाँ पे सबसे पहले देख सकते हो टाइटल आ चुका है, तो मैंने टाइटल डाल रखा है, तो यहाँ पे आप क्लिक करके टाइटल डाल सकते हो। उसके बाद आपको डिस्क्रिप्शन डालना है, तो यहाँ पे देख सकते हो नीचे स्क्रॉल करोगे आप, तो यहाँ पे आप क्लिक करके डिस्क्रिप्शन डाल सकते हो अपने वीडियोस का। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे थंबनेल लगाना है, तो थंबनेल यहाँ पे क्लिक करके आप थंबनेल अपलोड कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे प्लेलिस्ट में आप अपने वीडियो को ऐड कर सकते हो, मेड फॉर किड जो भी है वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद मोर ऑप्शन पे क्लिक करना है, एंड नीचे आप स्क्रॉल करोगे तो देख सकते हो गाइस टेक्स्ट का ऑप्शन हमें मिल जाता है, यानी कि आप अपने वीडियो के टेक्स्ट डाल सकते हो। तो टेक्स्ट डालने के लिए यहाँ पे क्लिक करना है, और आप अपनी टेक्स्ट भी डाल सकते हो। उसके बाद देख सकते हो गाइस विजिबिलिटी, तो यहाँ पे पब्लिक या फिर अनलिस्ट, तो अनलिस्ट कर लेते हैं या फिर प्राइवेट कर सकते हो आप। तो अपन ऐसे करते हैं इसको एक बार, और देखते हैं वीडियो कितना अपलोड हो रहा है। तो देख सकते हो गाइस नीचे आपको परसेंटेज शो हो जाएगा, जैसे आप नीचे देखोगे तो ये देख सकते हो गाइस हमें परसेंटेज शो हो रहा है, यानी कि हमारा वीडियो है वो 7% अभी अपलोड हुआ है। एंड यहाँ पे आप सेव कर सकते हो इसको, तो चलिए अपन सेव कर लेते हैं, ये ऑटोमेटिक अपलोड हो जाएगा। तो आप बाद में इसको पब्लिश कर सकते हो, थंबनेल लगा सकते हो, और आपको यूट्यूब की जो स्टूडियो एप्लीकेशन है वो आपको डाउनलोड कर लेनी है अपने फोन में, ताकि आप वहां से सारी चीजें मैनेज कर सको, कमेंट के रिप्लाई कर सको, और भी काफी सारी चीजें वो आप कर सको वहां से। तो इस तरीके से गाइस काफी आसानी से आप अपने वीडियोस को अपलोड कर सकते हो। सो गाइस आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। एंड ऐसे ही वीडियोस आप हमारे चैनल पर देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी हमारा नया वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। और अगर आपका कोई भी सवाल, सुझाव है या फिर कोई डाउट है, तो आप मुझे वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। एंड दोस्तों आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम का यूजर नेम आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो डायरेक्ट वहां से फॉलो कर सकते हो। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और मिलेंगे दोस्तों ऐसे ही नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।